दिल्ली विधानसभा दिन ब दिन रोचक होते जा रही है। इसकी अपनी वजह है, इससे पहले यहाँ पर सुरंग भी मिल चुकी है। सुरंग जैसे ही मिली तो उसके बाद इस बात की पड़ताल की गई कि आखिर ये सुरंग कहाँ तक जाती है। जब जानकारी जुटाई गई तो लाल किले का जिक्र भी हो गया, और अब हम जहाँ पर मौजूद हैं, मेरे ठीक पीछे आप ये जो तस्वीर देख पा रहे हैं, और इस तस्वीर के क्या मायने हैं, इसके बारे में हमें बताएंगे दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल जी। सर, कहाँ हम खड़े हैं और किस तरह से इतिहास इससे जुड़ा हुआ है, और आगे आपकी क्या कार्रवाई होगी इसे लेकर, इसके बारे में बताइए। पंकज जी, मैं 1993 में जब पहली बार विधायक बना, यहाँ के कर्मचारियों से जानकारी में आया था कि यहाँ एक सुरंग है जो लाल किले तक जाती है और एक फांसी घर भी है। पर उस वक्त मेरे अधिकार में कुछ नहीं था, खाली विधायक थे। अब दोबारा अब ये स्पीकर का दायित्व आया तो माउथ टू माउथ ये चर्चा कर्मचारियों में थी। मैंने कोई उसका तथ्य मिल जाए, उसकी जानकारी बटोरने की कोशिश की, कोई तथ्य मिले नहीं, कोई डॉक्यूमेंट मुझे नहीं मिले। लेकिन एक तथ्य मिला कि 1912 में कलकत्ता से ब्रिटिश रूल के द्वारा दिल्ली को राजधानी बना दिया गया, बिल्कुल। और इसी बिल्डिंग में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली मिल बनी, और 1926 में वर्तमान जो लोकसभा है हमारी यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो गई। बिल्कुल। फिर एक क्वेश्चन दिमाग में आया कि 1926 के बाद इतनी भव्य बिल्डिंग का क्या हुआ, तो तथ्य आया सामने कि यहाँ न्यायालय बना दिया गया, और उस ब्रिटिश न्यायालय राज ब्रिटिश में राज में ही। 1926 के बाद। और उसके बाद जो है ये भी तथ्य आया कि जो क्रांतिकारी लाल किले में थे उनको एक सुरंग द्वारा यहाँ लाया जाता था, और यहाँ से उन पर फैसला किया जाता था। फैसला करने के बाद किसी को फांसी देनी होती थी, तो यहाँ एक फांसी घर है, ये भी माउथ टू माउथ जानकारी में आया। ये जो आप कह रहे हैं कि कर्मचारियों से आपको जानकारी मिली, वो चर्चा करते रहते थे, क्या वो दिल्ली विधानसभा में ही काम करते थे या आपने कोई और इसके लिए नहीं स्टडी नहीं की? नहीं और स्टडी नहीं किया दिल्ली विधानसभा में। आज जो कर्मचारी हैं, उससे पहले 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल पहले कर्मचारी थे। आफ्टर ऑल 60 साल में रिटायर होता है, तो अंग्रेज जब आज़ादी मिली उस वक्त भी कर्मचारी रहे, उनके माध्यम से माउथ टू माउथ ये जानकारी चलती रही। और इस जानकारी के आधार पर मैंने नींव को, उसको सुरंग को ढूंढा। सुरंग जब मिल गई तो फांसी घर का होना एक मोहर लग गई उस माउथ टू माउथ चर्चा पर, वो बात पुख्ता हो गई। फांसी घर कहाँ है इसकी तलाश में था। 2019 में 20 में चुनाव थे फरवरी के, उतना समय नहीं था। फिर कोरोना लग गया, अब कोरोना से थोड़ा मुक्ति मिली है, फिर ध्यान इधर गया। बिल्कुल। हम 3 साल पहले ये तस्वीर भी दिखाते हैं, और इस तस्वीर के बारे में पहले आप हमें बता दीजिए, क्योंकि मैं बता लोगों दूं, की जो बस उत्सुकता है ना, वो बढ़ते जाती है कि इतनी जानकारी अपने इतिहास बता दिया है, लेकिन जहां हम खड़े हैं इसके उसका बारे में अर्थ अभी आ क्या रहा हूँ, है? बस इसके बारे में 1 सेकंड के लिए। जी तो मैंने ये 3 साल पहले ये ताला खोल दिया था, ये बिल्डिंग बंद रहती थी, इसमें कोई कार्य नहीं होता था। ये 2 मंजिला बिल्डिंग भी यहाँ केवल विधानसभा में यही पोर्शन है, पूरी विधानसभा में और कोई 2 मंजिल नहीं है। ताला खोला, ताला खोल करके मैं ऊपर चढ़ा, जाले लगे हुए थे बिल्डिंग में, मैंने उस वक्त बंद कर दिया। अब ये 8-10 दिन पहले इसको दोबारा खुलवाया, भाई इसको तलाश करो इसमें क्या है। तो कर्मचारियों ने जानकारी में दिया जी एक दीवार है, उस पर प्लास्टर हुआ हुआ है। ये दीवार, हाँ ये यहां तक की दीवार। ये वहाँ तक थी, ऊपर तक दीवार, अभी निशान है। हाँ जी, हाँ जी, तो इस दीवार के पीछे कुछ लगता है खोखली बोल रही है। मैं आया, दीवार नया प्लास्टर, यानी कब हुआ मैं नहीं कह सकता, और इस प्लास्टर को कब हुआ, मेरा कार्यकाल 7 साल हो गया, इससे पिछले स्पीकर से भी बातचीत की गई, कोई ऐसी दीवार नहीं बनी। तो ये दीवार जो आप देख रहे हैं, ये ये कितनी पुरानी दीवार है कितनी पुरानी है, इसके बारे में जानकारी नहीं जानकारी है। नहीं है, और लेकिन लेकिन इसका जी प्लास्टर वगैरह के माध्यम से इसका पुरातत्व विभाग जो इसके एक्सपर्ट हैं उनसे जानकारी ली जा सकती है। तो ये दीवार जब तोड़ी तो ये फांसी घर इसके पीछे निकला। दो फांसी घर ये बने हुए हैं, दो पुलियां हैं यहाँ से, ये जो पार्टीशन है बीच में, एक लकड़ इधर लगी है, एक लकड़ इसके बीच में, आप देखेंगे चैनल है, और इस चैनल के माध्यम से वो फट्टा जो था जिस पर आप ये देखेंगे कि इसकी हाइट भी, फट्टा यहाँ रहता होगा, नीचे मिलेगा डेफिनेटली वो, और उस फट्टे पर खड़ा करके इस पुली के माध्यम से लटका दिया जाता था। ये अभी
जो एट प्रेजेंट जो स्थिति है उसके माध्यम से ऐसा लगता है। ये जांच का विषय है कि इसमें रंग से, पेंट से, रोगन से, इस लकड़ से ये कितनी पुरानी है, इस लकड़ से ये पुरातत्व विभाग को लेटर लिख दिया है, उनकी टीम आएगी, कब आती है देखिए। मैं नीचे तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा कि क्या कुछ यहाँ पर है, आप देखिए, और इसके बारे में जो स्पीकर महोदय हैं वो भी बताएंगे कि यहाँ पे जो नज़र आ रहा है नीचे, हालांकि नीचे जो आपने दीवार को तोड़ा है उसका मलबा भी जा गिरा है, लेकिन उसके नीचे क्या है और सतह कैसी है, सतह के बारे में कुछ पता चल पा रहा है या फिर तोड़ दिया है तो अभी वक्त लगेगा जानने में। जहाँ मैं खड़ा हूँ इस वक्त, इसके नीचे बाथरूम बन गया, बाद में कंस्ट्रक्शन हुई, बाथरूम बन गया। अब इसके नीचे की जो दीवार है उसको भी मैं तोड़वा रहा हूँ, कल परसों से काम चालू हो जाएगा। इसके नीचे जो कुछ है वो मिलेगा, सारा बाहर निकलेगा, तब और तथ्य हमारे पास जुड़ जाएंगे। तो बाथरूम अभी नया बनवाया, अभी रिसेंटली बना, तो ये पहले पता नहीं था कि ऐसा कुछ दीवार के पीछे ऐसा कुछ है, ये मालूम नहीं था, किसी को मालूम नहीं था। बस ये था फांसी घर, हम सोचते थे फांसी घर ये जो बिल्डिंग बनी है इसमें कहीं होगा ऊपर नीचे, लेकिन ऊपर नीचे नहीं, ये तो वास्तविकता में एक आश्चर्यजनक बात थी मेरे लिए और भावनात्मक बात भी थी कि इस छोटी सी जगह में फांसी घर दो को फांसी दी जाना मानवता के नाते भी उचित नहीं था। जो व्यक्ति जा रहा है संसार को छोड़कर उसको शांति से जाने दिया जाता, लेकिन यहाँ बड़ी दिक्कत है, बहुत परेशानी है, कैसे वो व्यक्ति अंतिम क्षण बिताता होगा मैं नहीं कह सकता। साथ ही अब आगे क्या इसे जो पर्यटक हैं उनके लिए खोला जाएगा क्या, साथ ही साथ किस तरीके से आगे की कार्रवाई होगी विधानसभा की? जैन साहब, मेरा ये कहना है कि मैं पूरी विधानसभा में जिस ढंग से डेवलपमेंट हो रहा इसको एक दिल्ली टूरिज्म को हम सौंपेंगे। दिल्ली टूरिज्म, यहाँ दर्शक जो आते हैं दिल्ली में, विदेशी या देसी, वो सब आकर के इसको देख सकेंगे। और इसको खोलने के लिए मैं यहाँ एक कैप्सूल लिफ्ट लगवा रहा हूँ, नीचे बाथरूम को हटा करके नीचे से निकले, पूरा शीशा हो और जो भी ऊपर आए वो इसको देख सके, टच कोई ना कर सके। हम भी इसको टच नहीं कर रहे हैं, एज इट इज जाने वाले लगे हैं, इसको एज इट इज रखेंगे, कहीं कोई इसमें रंग रोगन पेंट ठीक से। और एक यहाँ ये विंडो हटा करके यहाँ से एक जीना लगवा रहा हूँ ताकि दर्शक आसानी से आ सकें, जा सकें, क्यों आपने जो लकड़ का जीना देखा है उससे आदमी चढ़ नहीं सकते, कमजोर हो गया, बहुत कमजोर हो गया, उसको हम छेड़ेंगे नहीं, उसकी रिपेयर नहीं करेंगे, वो भी मैं शीशे का दरवाजा लगाकर बंद कर रहा हूँ ताकि लोग एक विजुअल बाहर से देख सकें। आपकी पड़ताल से ऐसा लग रहा है कि और भी रहस्य हैं इस दिल्ली विधानसभा में, तो आपकी लिस्ट में और क्या क्या है? अभी मेरी लिस्ट में एक ही चीज चल रही है, उस पर मैं पिछले 5 साल से लगा हुआ हूँ कि 1912 से 26 तक जो देश के महान नेता थे, जो यहाँ बैठते थे, अंग्रेजों के साथ लोहा लेते थे, और विठल भाई पटेल जो पहले यहाँ के सभापति चुने गए ब्रिटिश काल में, उनको जिताने वाले कौन कौन लोग थे ब्रिटिश मेजोरिटी होने के बावजूद भी, उनके नाम मुझे यहाँ नहीं मिले, और लोकसभा की लाइब्रेरी से कुछ नाम मिले हैं, मैक्सिमम नाम मिल गए हैं, वो अब मेरी प्रायोरिटी है कि उनके नाम मिल जाएं, और उनके नाम जितने भी मिले हैं, फ़ोटो सहित मिले हैं, विदाउट फ़ोटो मिले, MLA लॉन्च नंबर 1 में उनके चित्र उनके नाम में प्रदर्शित करने जा रहा हूँ, ये अभी मेरा नेक्स्ट टारगेट है। चलिए, तो पर्यटकों के लिए ये खास तौर से तैयारी चल रही है, आपको बता दें कि इस तरह से जितने भी सुरंग मिल रही हैं और जो दावा किया जा रहा है कि ये फांसी घर हैं, पुरातत्व विभाग से भी संपर्क किया गया है, और मेरे ठीक पीछे आप ये जो नज़ारा देख पा रहे हैं इसकी पड़ताल की गई है, देखना होगा कि आगे जाँच में क्या कुछ सामने निकल कर आता है, लेकिन दिल्ली विधानसभा में जिस तरह से ये तस्वीर सामने आई है, इसके बाद पर्यटकों को कब इसे देखने का मौका मिलेगा इसका इंतज़ार भी करना होगा। कैमरामैन शगुन के साथ पंकज जैन, दिल्ली विधानसभा से आज तक।